नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात हरियाणा के पंचायत चुनाव को लेकर करने वाले हैं। बहुत लंबा इंतजार किया गया, हालांकि इंतजार तारीखों के लिहाज से अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है और खबर ये सामने आ रही है कि जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि औपचारिक ऐलान होने की जल्द की उम्मीद है। सोमवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। राज्य में सभी सियासी दलों की तैयारी भी पूरी है, दल बदल का दौर भी जारी है और इस बार सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी पक्षों ने छोटी सरकार के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, अलग अलग बयानबाजी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या पार्टियां सिंबल पर, जिला परिषद को लेकर हम बात करेंगे, क्या हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं, क्या मुद्दे हैं, गांवों का विकास कितना बाधित हुआ है चुनाव लेट होने के चलते, देरी से होने के चलते, बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। ये रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, लेकिन औपचारिक रूप से तारीखों की घोषणा सोमवार को होने की उम्मीद है। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चंडीगढ़ में इसकी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वहीं राज्य के सभी सियासी दल तैयार हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सिंबल पर चुनाव लड़ने और ना लड़ने के लिए चुनाव समिति के पाले में गेंद डाल चुके हैं। पंचायत चुनाव के बारे में हमने प्रबंधक लगाए हर जिले में, उसके साथ साथ हमारी हर जिले की बैठक हो गई है, कार्यकर्ताओं की राय ले ली गई है, लेकिन तीन चीज़ों पर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे, जिसमें पंच है, जिसमें सरपंच है और ब्लॉक समिति। जिला परिषद के बारे में, सिंबल पर जाने के बारे में पार्टी में दोनों विचार के कार्यकर्ता और नेता हैं, तो जो ही चुनाव डिक्लेयर होगा इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। वो इलेक्शन कमेटी हमारे इस विषय में निर्णय करने वाली सबसे ऊपरी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, उसके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। तो वहीं जेजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी भी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव की अनाउंसमेंट नहीं कर, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी करेगा। हमने लिखित तौर पे दे दिया, ड्रॉ लगभग सारे जिलों में कंप्लीट हो गए, बीसीए के भी वार्डबंदी सारी कंप्लीट है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा मंडे को कराना, हमारी सरकार की स्टेट मशीनरी तैयार है, उनको हर सहयोग। जेजेपी की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, अभी तो लड़ना सिंबल पे है नहीं है, ये पार्टी संगठन का निर्णय है। पीएसी ने भी ये फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ दिया, उनका जो आदेश होगा पार्टी उसको। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता पक्ष के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो वो भी सिंबल पर ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। पिछले एक साल से कह रहे हैं अगले महीने होगा, देखो हो जाए तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है, बाकी तो समय आने पर कहेंगे। जिला परिषद के चेयरमैन का अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो हम सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार की हिम्मत नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन का, क्योंकि इनका सफाया होना है। मेरा आपसे अब भी इनका आग्रह है, जब कॉरपोरेशन में चेयरमैन का, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्टर कराते इलेक्शन, डायरेक्ट करा के देखें। हरियाणा में पंचायतों के 71,763 पदों पर होगा चुनाव, पंच के 62,040 और सरपंच के 6,226 पद, 143 पंचायत समितियों में 3,086 सदस्यों का होगा चुनाव, 22 जिला परिषदों में चुने जाएंगे 411 सदस्य, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में बाद में चुने जाएंगे चेयरमैन। राज्य में पहली बार 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। साल 2024 की तैयारियों में जुटे सभी दल अगर सिंबल पर पंचायत चुनाव में उतरते हैं तो उनके लिए यह मुकाबला किसी सेमीफाइनल से कम नहीं होगा, इसलिए सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, बीजेपी कह चुकी है, चूंकि
पंचायतों के चुनाव में सरपंच को लेकर, ब्लॉक समिति को लेकर, पंच के चुनाव को लेकर तो साफ हो चुका कि नहीं लड़ेंगे सिंबल पर। जिला परिषद को लेकर कहा गया कि अभी तय किया जाएगा, अभिमंथन किया जाएगा, चर्चा होगी। जेडीपी की हम बात करें, आपने दुष्यंत चौटाला को सुना ही कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ये तय करेंगे कि सिंबल पर मैदान में जाना के या फिर सिंबल पर मैदान में नहीं जाना के। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से लेकिन एक शर्त रख दी गई, कहा गया कि जिला परिषद के चुनाव अगर डायरेक्ट होते हैं तो सिंबल पर जरूर लड़ेंगे। सरकार को चुनौती भी दे दी गई है, तो तमाम सवालों के जवाब हम लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां बनने वाली हैं पंचायत चुनाव को लेकर। एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुका है, बीजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी से विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत चर्चा में। और इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका भी। चौहान साहब, क्या उम्मीद की जाए और क्या संभावनाएं हैं? हालांकि आप कहेंगे कि अभी तो डिसाइड किया जाएगा और डिसाइड किए जाने के बाद ही ये फैसला होगा, इतना तो कम से कम क्लियर है कि सरपंच, पंच और साथ ही ब्लॉक समिति के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे आप लोग? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के सम्मुख आकर पार्टी के इस निर्णय से सबको, प्रदेश के लोगों को अवगत कराया है कि जिला परिषद, पंचायत और सरपंच के ब्लॉक समिति, जिसको पंचायत समिति भी कहते हैं, पंचायत का पंच और सरपंच, इन पदों पर हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। और जिला परिषद के चुनाव के बारे में दो मत हैं पार्टी में, कार्यकर्ताओं का एक वर्ग सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान के साथ लड़ने का पक्षधर है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि चुनाव चिन्ह पर न लड़ा जाए। तो चुनाव की तारीखें शेड्यूल घोषित होते ही राज्य की जो चुनाव समिति हमारी होती है, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस संबंध में निर्णय लेने वाली, वह समिति अपना निर्णय करेगी। और हम में से कोई प्रवक्ता, पार्टी के अध्यक्ष, कोई बड़े नेता आपके सामने आकर वह जानकारी दे देंगे। अब बहुत दूर नहीं है सारी चीजें, हम लगभग चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं। हरियाणा को मजबूत पंचायतें मिलें, साफ सुथरी पंचायतें मिलें, और ऐसी पंचायतें मिलें, ऐसी गांवों की, ब्लॉक की और जिला की संसद मिले जो बेहतरीन ढंग से राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की गाड़ी को पटरी पर और तेज गति से आगे बढ़ाए, हमारा यही प्रयास है, यही संकल्प है, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जी, कांग्रेस की हम बात करेंगे, बजरंग दास जी, संभावनाएं बहुत कम हैं क्योंकि निकाय चुनाव की बात करें, निगम में भी आप लोगों ने बहुत कम की ऐसा हुआ कि आप लोग मैदान में आए, तो क्या पंचायत चुनाव को लेकर भी हुड्डा साहब के इस बयान को सुनते हुए कि जिला परिषद के चुनाव अगर डायरेक्ट करवाए जाते हैं तो ही मैदान में होंगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये संभव भी नहीं और आप लोग आएंगे भी नहीं सिंबल पर? देखिए ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। और यहाँ पर चुनाव का सवाल होता है, पंचायत के चुनाव के अंदर कोई कांग्रेस समर्पित आदमी सरपंच का, मेंबर का चुनाव लड़ता है तो स्थानीय वहां के नेता है, वर्कर है, वो आपसे ही तालमेल करके जिसकी भी मदद करना चाहे वो करते हैं, उस पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं होती। जहां तक आज देखो, आज डेढ़ साल से ज्यादा समय हो गया पंचायत चुनाव नहीं हुए, जिसके कारण गांव के अंदर विकास पूरी तरह रुका हुआ है, सड़कें नाम की चीज नहीं, पीने के पानी की दिक्कत, गंदगी फैली हुई है। नहीं, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिएगा, मेरा आपसे ही सवाल है, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी। आप कह रहे हैं कि देरी से इलेक्शन हो रहे हैं, तो हुड्डा साहब जो शर्त रख रहे हैं कि जिला परिषद के इलेक्शन भी डायरेक्ट करवा लिए जाएं, तो इसमें क्या होगा? वैसे तो देखिए अभी फिजिबल ये है ही नहीं कि मेयर की तर्ज पर जिस तरह से कॉर्पोरेशन में किया गया उसी तरह से किया जाए, तो क्या वो ये चैलेंज देते हुए वो नहीं देरी चाहते इलेक्शन में? और दूसरा, जो आपने कहा कि जो जहां कांग्रेस की जो विचारधारा के उससे प्रभावित या उससे मानने वाला उम्मीदवार होगा उसे समर्थन दिया जाएगा, तो ये तो हर बार की कहानी है, जो जीतता है कांग्रेस उस पर अपना टैग लगा देती है। ज्योति जी, फर्क, मैंने ये नहीं कहा समर्थन देंगे, मैंने कहा स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता, उनकी छूट होती है, वो करे किसकी मदद करे। कांग्रेस पार्टी कोई समर्थन नहीं,
ना कांग्रेस पार्टी को सिंबल देगी। आज यहाँ पर जिला परिषद की बात करी डेस्ट चुनाव की, जब वो आप देखो नगर निगम के डेस्ट हो सकते हैं तो जिला परिषद की क्यों नहीं हो सकते, उन्होंने बात बात रखी है। अगर वे डायरेक्ट होंगे तो कांग्रेस पार्टी सिंबल ले रही, उसमें क्या दो राय है। बात तो विकास की है, विकास होने चाहिए। गांव के अंदर चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, सरपंच बनेगा, गांव का सरपंच भाईचार सभी के साथ लेकर गांव के विकास करवाएगा। और आप देखो डेढ़ साल हो गए गांव का विकास रुका हुआ है, किसी पर काम नहीं हो रहा, विकास सिर्फ कागजों में हो रहे हैं, बल्कि विलन बन रही है, अफसर माल खा रहे हैं, गांव के लोग दुखी है। तो यही तो बात है, अभी जल्दी चुनाव हो, लोगों को गांव की पंचायतें मिले, गांव में विकास कार्य हो। और आप देखिए गांव की जो पंचायतें होती, गांव में झगड़ा हो जाए, मतलब कोई लड़का लड़की का झगड़ा तलाक का की नौबत आ जाती है, तो गांव की पंचायतें क्या करती है, आपसी बिठाकर उसका सुलटारा करती है, थाने में नहीं जाने देती। 90% फैसले गांव की पंचायत के अंदर ही होते हैं। थानेदार भी जो गांव में होता है वो भी कहता है पंचायत फैसला कर देगी, वो पंचायत पे भेजता है या थानेदार पंचायत को बुलाते सरपंच को। ये ठीक कहा आपने, ये दिक्कत परेशानी तो लोगों को खूब उठानी पड़ी है और बहुत लंबा समय गुजर चुका है। ठीक है अधिकारी काम कर रहे होंगे, लेकिन अधिकारी कितना काम कर सकते हैं, चुना हुआ प्रतिनिधि ही जनता की ग्रामीणों की आवाज उठा सकता है। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं को भी जोड़ेंगे चर्चा में। देखिए एक बात तो जो ये नया शगुफा छोड़ा है हुड्डा साहब ने, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी, कांग्रेस पार्टी का चीजों को ऐन मौके पे उलझाने, लटकाने या लोगों को गुमराह करने का जो अंदाज है उसको एक्सपोज करता है। क्या आपने आज से पहले ज्योति जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत किसी कांग्रेस नेता को यह कहते सुना था कि जिला परिषद के चुनाव प्रत्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए, करवाइए, हम भी लड़ना चाहते हैं? आज तक ये नहीं कहा वीरेंद्र भाई, यू कहा अगर डायरेक्ट कहोगे तो हम लड़ेंगे, लड़ना चाहते नहीं कहा, हम भी लड़ना चाहते, किसमें फर्क है? आप बात को घुमाओ, उन्होंने वीरेंद्र भाई क्या कहा है, अगर डायरेक्ट चुनाव हो तो कांग्रेस चुनाव लड़े, ये कहा हुए? तो पहले सुझाव तो ये पहले दे देते ना सुझाव, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना अर्ग साहब, उत्तर तो उत्तर मुझे दे देने दीजिए ना, ये बीच में बोलेंगे तो उत्तर मैं गर्ग साहब प्लीज, ज्योति जी क्या ये रुकेंगे, हमारी मुंह की बात करके ना बोलो ना, मैं आपका उत्तर ही दे रहा हूँ ना, आप ही का उत्तर दे रहा हूँ, आप बीच में बोलोगे तो उत्तर कैसे मिलेगा आपकी, आपने जो नई बात बोली उसका उत्तर देना चाह रहा हूँ। ज्योति जी कृपया इनको रोक दीजिए, डिबेट खराब करना चाहते हैं। आप जल्दी बात पूरी कीजिए, क्योंकि दो प्रवक्ता और हैं जिनका पहला रिएक्शन भी हमने नहीं लिया है, अभी पहला रिएक्शन भी दो प्रवक्ताओं का नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उसके नेता किस तरह चुनाव की प्रक्रिया का मजाक बनाना चाहते हैं उसका प्रमाण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि डायरेक्ट जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव होते या होंगे तो हम लड़ेंगे। क्या ये मौका है ये कहने का? जी। शादी के मंडप की तरफ दुल्हा दुल्हन जा रहे हैं और ये नई मांग लेकर के आ गए 15 मिनट पहले, ब्याह में इंटरेस्ट नहीं है, खेल खराब करना चाहे, तो ऐसी नीति ठीक नहीं है। चुनाव को चुनाव में देरी कराने में इनकी पहले भी भूमिका है, महान भूमिका है इनकी। गर्ग साहब थोड़ा धैर्य रखिए ना, अभी तो शुरुआत हुई डिबेट की, एक घंटा बाकी है, इतने अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है गर्ग साहब, अभी तो आप मेरी बात घुमा रहे हैं, नहीं क्या चर्चा खत्म हो गई क्या? आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, इतने सूझे हुए प्रवक्ता हैं, आप धैर्य कैसे खो सकते हैं ऐसे? आप क्या चर्चा खत्म हो गई है? आपके साथ में विवेक जी बैठे हैं, इनेलो से प्रवक्ता आपके साथ में बैठे हैं, वो तो बड़े पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। आप सुनिए सर, आप दोबारा बोलो, वाइंडअप अगर हो गया हो, आपको टाइम ना मिला हो तो आप शिकायत कीजिए ना,
ये मैं डिसाइड करूंगी सर कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। आपको समय दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा ज्योति, ये तय करके आते हैं कि डिबेट खराब नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे सबको समय मिले, लेकिन आप धैर्य रखेंगे। नहीं गर्ग साहब, ये आप इस तरह से गुस्सा नहीं कीजिए, आप सुनिए। मैं गुस्सा में ज्योति की बात नहीं है, आप पहले इनको बुला दिया, मैं बोल रहा हूँ फिर उनके जवाब ले रहे हो, फिर आप किसी आदमी बुलाओगे हमें नहीं बुलाओगे, उनका जवाब भी हो गया। आप एंकर को सवाल तो पूछने दीजिए, आपने कुछ कहा। एंकर की बात नहीं है, पक्षपात की बात है, ये जज क्या बोलेगा। चलिए आपका मानना है, आप सोच सकते हैं ऐसा, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, आप सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दर्शक जानते हैं। आपने कुछ कहा था चौहान साहब, उस बात का जवाब दे रहे थे, आप बीच में बोलते हैं, उसके बाद अब सुना कीजिए ना, क्या डिबेट खत्म हो गई है? दो प्रवक्ता वो हैं जिनका पहला रिएक्शन नहीं लिया गया है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप सीनियर प्रवक्ता के अपनी पार्टी के विवेक जी। नहीं मैं अभी ऐसे कैसे होता गई मैं देख लूंगी सर। नहीं सर ऐसे नहीं, सरकार के प्रति ऐसा नहीं होता, तो आपकी मर्जी चले। दो पार्टियों के प्रतिनिधि बोलेंगे, सरकार के नहीं, दो पार्टियों के प्रतिनिधि बोलेंगे। आप दिखाने का काम ना कीजिए, आप अपनी बात में बोलिए, आप कार्रवाई का यही काम है, आप डिबेट खराब करने के लिए आते हैं। ज्योति जी आपसे निवेदन है, इन्हें म्यूट कराने का काम करिए, हर बात का खराब करने का काम करते हैं। चुनाव तो सरकार क्या बात करते हैं जी, चुनाव तो नहीं, चुनाव तो पार्टियां लड़ेंगी ना, चुनाव तो पार्टियां लड़ेंगी, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? चुनाव तो बीजेपी और जेजेपी अगर लड़ेंगी तो लड़ेंगी ना, गठबंधन में लड़ेंगी, अलग लड़ेंगी, सिंबल पर लड़ेंगी, सिंबल पर नहीं लड़ेंगी। आप कमाल कर रहे हैं, दो पार्टियां हैं सरकार में, दोनों के अलग अलग प्रवक्ता क्यों नहीं आएंगे? आप डिबेट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवाल पूछने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप प्रवक्ताओं को बुलाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो गलत है ना? ये गलत है सर, ये गलत है। आप अगर रुकेंगे चार जवाब भी सुनेंगे। विवेक जी आदमी चुनाव लड़ेगा, ज्योति जी ने चुनाव लड़ने का काम कीजिए, तो दो कैसे हो गए? अलग चुनाव लड़े, भाजपा ने लड़े, जेजीपी वाला लड़े, जब तुमने दो बार चुनाव लड़के आप नहीं डिसाइड करेंगे ना? निकाय चुनाव में क्या हुआ था, कहा था ना अलग अलग लड़ेंगे। अब दो पार्टियां हैं, दोनों सत्ता में है, दोनों के प्रवक्ता आएंगे, दोनों के प्रवक्ता आएंगे, ये गलत है आपको इस तरह से रिएक्ट करना है इस पर। विवेक जी दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं लेकिन फैसला लेंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। निकाय चुनाव में भी ये कहा था, क्या इस बार बीजेपी के फैसले का इंतजार किया जाएगा सिंबल को लेकर, गठबंधन को लेकर? क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं किरकिरी तो हुई थी कि आप लोग कहते रहे साथ लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने कह दिया हम तो अलग लड़ेंगे, तो इस बार इंतजार करेंगे कि बीजेपी क्या डिसाइड करती है, उसके बाद आप लोग ऐलान करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी, हमारी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की, जिस भी परिस्थितियों में चुनाव लड़ना हो, चाहे गठबंधन में लड़ना हो, चाहे अकेले लड़ना हो, चाहे सिंबल पे लड़ना हो, चाहे बिना सिंबल के लड़ना हो, सभी तैयारियां हमारी पूरी है। पैनल्स बना के प्रभारी जो ब्लॉक वाइज लगाए गए थे उनको लिस्ट दे दी गई है और वो लिस्ट हाईकमान तक पहुंचा दी गई है, जो जो कैंडिडेट्स फाइनल होने हैं उनके भी पैनल बना के हाईकमान तक पहुंचा दिए गए। पर आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब बीसीए आरक्षण की बारी आई थी तब ये पहले विरोध करते थे, फिर कहने लगे मिलना चाहिए, आज चुनाव देरी से है तो ये कहते हैं चुनाव देरी से क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ इनके नेता ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट जिला परिषद के चेयरमैन के करानी चाहिए। कहीं ना कहीं इनको साफ स्पष्ट ये दिखता है कि चुनाव से भागा कैसे जाए, वो सीधा कह चुके हैं अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिला परिषद का तभी हम सिंबल पे लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि भागा कैसे जाए, ठीक है, अगर आप लोगों ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा तो हरियाणा की जनता क्या सोचे, आप लोग भी भाग गए क्योंकि आप लोग सिंबल पर नहीं लड़े, बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना अगर भागना है तो क्या बीजेपी भी भाग जाएगी अगर नहीं लड़ा सिंबल पर? ज्योति जी निकाय चुनाव का मैं आपको याद कराना चाहूंगा, निकाय चुनाव में भी इन्होंने इसी तरह किया, जो जीता वो हमारा का फॉर्मूला इन्होंने अपनाने का काम किया। कहीं ना कहीं ये लोगों को पता है कि आज इनके पाड़े में कुछ नहीं, आज ये खाली हो चुके हैं, क्या हालात पूरे देश में और प्रदेश में इनके हो रहे हैं। आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी तो कह रहे हैं कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे अगर डायरेक्ट चुनाव होते हैं, यही बात आप कुमारी शैलजा जी से पूछेंगे वो कुछ और कहेंगे, यही बात आप किरण चौधरी जी से पूछेंगे वो कुछ और कहेंगे,
यही बात आप रणदीप सुरजेवाला जी से पूछेंगे, वो कुछ और कहेंगे। ये आपस में सहमति नहीं बना सकते, ये चुनाव की क्या बातें करेंगे। आज विजेंद्र जी, पूरे प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, देश में खत्म हो चुकी है। विजेंद्र जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं को बड़े बड़े धैर्य से सुना, बड़े धैर्य से सुना। अरे आप हमारी चिंता ना कीजिए, आप जेजेपी के प्रवक्ता नहीं, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। आप ये बताइए कौन कौन भाग्य और कौन कौन तैयारी में है। आपके तो डेलीगेट्स के ऊपर ही झूठ बच जाता है, आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये कम से कम लड़े तो, गर्ग साहब ये कम से कम लड़े तो, आप इसका जवाब दीजिएगा। ये कम से कम भागे तो नहीं ना, आप अभी आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ। अरे चार आए, विजेंद्र जी आप बताइए हमें। विजेंद्र जी, बड़े धैर्य से आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना के, इनेलो पार्टी क्या करने वाली है, क्या कहना है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि मंडे को जहां तक है तारीखों का ऐलान हो जाएगा सर। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, जितना धैर्य मैंने दिखाया सारे साथी उतना ही धैर्य दिखाने का काम करें। और कहना चाहूंगा कि पंचायती चुनाव का बड़ा महत्व होता है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, और लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय से पंचायती चुनाव नहीं हुए, और जो ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत सुविधा होती है उनके लिए ग्रामीण लोगों को बहुत तरसना पड़ता है। और आगे मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये जो चुनाव लेट हुए हैं लगभग 1.5 साल, 2.5 साल के लगभग लेट हो गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने जानबूझकर इनको लेट करने का काम किया है। अभी साथी कुछ बोलना ना, बोले ना, मुझे सब पता है कैसे कैसे हाई कोर्ट गए, क्या क्या डिसीजन हुए, लेकिन मैं कहता हूं कि जानबूझ करके सरकार ने लेट किया। मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि पहले सरकार ने घोषणा की थी कि हम 30 सितंबर तक तो आखिरी टाइम है हमारा चुनाव करवा देंगे, और उस दिन भी मैंने आपके चैनल पर ही डिबेट में बैठ करके 12/8/22 को और एक 12/7/22 को चुनाव डिबेट आपके चैनल पर हुई 12/7/22 को, उस दिन मैंने कहा था कि सितंबर में चुनाव नहीं हो सकते। फिर इन्होंने कहा 30 अक्टूबर तक करेंगे, मैंने कहा नहीं होंगे, और अब ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक तो हम करवा ही करवा देंगे। देखिए, हम तो जब मानेंगे जब इसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने बार बार ये घोषणा की है कि भाई हम इस तारीख तक करवाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं करवा पाए। ज्योति जी, 100% सत्य इसके पीछे ये है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें लगभग ग्रामीण लोग इसमें शामिल हुए थे, उनको सबक सिखाने के लिए, उनका विकास कार्य को रोकने के लिए किसी न किसी तरीके को अपना करके सरकार ने इनको लेट करने का काम किया था। अब सोमवार को यदि धनपत सिंह जी इसकी घोषणा कर देते हैं, मैं तो इस बात को तभी मानूंगा कि नवम्बर तक चुनाव हो जाएंगे। अब भी हमारे को तो इस बात का संशय है। दूसरी बात, इन्होंने जो कही कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जो आपस में भिड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि डिबेट की सच्चाई जनता तक ना जाए, जनता ना समझ पाए कि डिबेट किस मुद्दे पर है, क्या हो रही है, इसलिए दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और डिबेट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। आज भी कोई भी पार्टी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ने कहा है, आपके सामने अभी कहा चौहान साहब ने, कि हम जो ना हमारी जो चुनाव समिति है वो फैसला करेगी कि जिला परिषद के चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, 1.5-2 साल से चुनाव लेट होते आ रहे हैं, आप हर बार यही बात कहते हो कि चुनाव समिति बताएगी, चुनाव समिति बताएगी। आखिर वो चुनाव समिति कब बताएगी? इतना लंबा समय हो चुका, आज तक वो फाइनल क्यों नहीं कर रही है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि हम जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कई बार इसकी घोषणा की, विधानसभा में भी घोषणा कर दी कि हम जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे जी। क्या कारण है कि सरकार ये फैसला नहीं कर पा रही है? उधर से ये ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी की इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि भूपेंद्र सिंह जी हुडा एक नया सगुफा लेकर के आ जाते हैं। अरे भाई, जब पता है कि चुनाव नजदीक सिर के ऊपर है, अभी डायरेक्ट नहीं होंगे, आप यस नो करो, आप बीजेपी का इंतजार क्यों कर रहे हो? आपने दो तीन अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बटे, ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बटे हैं ज्योति जी, ये भी आप मान लीजिए। भूपेंद्र सिंह जी कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करने के लिए आप लोगों पर भी लगते हैं कि कभी इनेलो को बी टीम कहा जाता है, कभी जेजेपी को बी टीम कहा जाता है। गर्ग साहब, ये देखिए, अभी निकाय चुनाव में कांग्रेस का चुनावों से भागना, निकाय चुनाव में कांग्रेस का भागना इस बात का पक्का प्रमाण हो चुका था कि इन्होंने बीजेपी की मदद की है जी। चलिए, इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। गर्ग साहब,
देखिए दो प्रवक्ता तीनों प्रवक्ताओं के हालांकि कांग्रेस पर आरोप तो हैं क्योंकि सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब इतने कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इलेक्शन जस्ट पास आने के बाद इस तरह की बात कह दिया जाना, क्या ये हवा हवाई बात नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता? सिंबल पर लड़ेंगे नहीं, खुद से इनकार नहीं करते कि हम अपनी मर्जी से नहीं लड़ेंगे, एक शर्त लगा दी गई है। अगर ऐसा था, कोई सुझाव था, कोई बात थी, तो इलेक्शन से पहले भी कहा जा सकता था। ज्योति जी, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं, ये तो अपने उन्होंने विचार दिए हैं, अगर सरकार करेगी तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, अपना विचार देना राय तो सबको है। आप ये बताइए कि क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी और कितना समय उसमें लगेगा, बता दीजिए पैनल पर। इसमें क्या रहना है, चुनाव डायरेक्ट करने, और चुनाव तो चुनाव ही है। अच्छा, एक सीधे करवा लो, चाहिए आप एक बार अलग अलग। आपको लगता है केवल घोषणा हो जाएगी और उसके बाद ये सरकार ये घोषणा कर देगी और उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे? उन्होंने क्या खाया, उनका बयान आपने दिखाया, अगर सरकार कराती है तो हम लड़े, ये कारण है। कौन सी गलत बात है, उन्हें कहा करवाओ, कराने पड़ेंगे, हम विरोध करेंगे, ऐसी कोई बात कही है मैंने क्या? तो सुझाव देना भी गलत है क्या? नहीं, अगर नहीं लड़ना कांग्रेस को, विचार रखा, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ना चाहती तो सरकार के पाले में गेम क्यों? इन्होंने सरकार ने 2016 के अंदर वही ट्रेडिंग कंपनी की आई, हम तो यही ट्रेडिंग से माल खरीदेंगे, आई साल बैंक मार रहे, 17 को बैंक मार गए, 18 को मार गए, 19 को मार गए, फिर इन्होंने ट्रेडिंग की प्रक्रिया नया फरमान जारी कर दिया, हम करेंगे, फिर इन्होंने बैंक मार दी, ये काम नहीं, अगर अगर मगर नहीं ना, लड़ना है तो लड़ना है, नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना, आप सरकार के पास में ये आप पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, ये हमारा फैसला है। ये कहिए ना, चुनाव अगर ऐसा हो गया तो वैसा करेंगे। मैं क्लियर कह रहा हूँ, पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी, हमारा फैसला है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष का बयान आ चुका है, सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान आ चुका है, फैसला हो चुका है मीटिंग करके इसको। किंतु परंतु अगर मगर छोड़ दिया है, साफ साफ कहा इनकार किया चौहान साहब। अब आप सुनेंगे गर्ग साहब, आपका जवाब पूरा हुआ चौहान साहब। अभी इनेलो प्रवक्ता आप पर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, देखिए कि अगर अगर आरक्षण देना था या जो भी बदलाव करना था, टाइम रहते कर सकते थे, कानूनी जो पेच फंसा वो नहीं फंसता इस बात को सुनिश्चित कर सकते थे। मामला अगर अदालत में रहा, बहुत सारे मामलों पर आप पैनल पर बैठकर कहते हैं कि हमने मजबूती से पैरवी की, तो कितनी मजबूती से पैरवी की गई कि समय इतना लग गया इलेक्शन होने में? और दूसरा देखिए, मैंने तीन पॉइंट्स इससे पहले कहे, एक और पॉइंट ये कि किसान आंदोलन के चलते ग्रामीण जनता को सरकार सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए इलेक्शन लेट किए हैं, ये इनेलो के आरोप। देखिए, पहले तो मैं किसान आंदोलन से ही शुरू करूंगा। किसान आंदोलन का नाम लेकर, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, किसान कानूनों के विरोध में जो लोग राजनीतिक पार्टियां बनाकर उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में हमारे खिलाफ प्रचार करने गए, पंजाब में बाकायदा हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी एंड कंपनी और दूसरे पंजाब के लोग जो आंदोलन के शिरोमणि थे, वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाकर मैदान में उतरे। आम नागरिक पंजाब का अगर इन चेहरों को, इनकी बात को पसंद करता, उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तराखंड का किसान अगर पसंद करता, तो 19 के चुनाव में ही ये जनमत संग्रह हो लेता। आपने देखा, मैंने देखा कि ये सो कॉल्ड किसान आंदोलनकारी, उनके नेता सबके सब विधानसभा के चुनावों में धूल चाटते नजर आए। तो बेवजह जनता के मुंह में इनकी बात डालने की आवश्यकता क्या है? रही बात जनता की, ग्रामीण जनता की, मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा का ग्राम्य अंचल वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुखरता के साथ खड़ा है, क्योंकि हरियाणा के 5500 से ज्यादा गांवों में इस सरकार के कार्यकाल में 24 घंटे की बिजली आई है, जब हम आए थे एक भी ऐसा गांव नहीं था। हर गांव में किसानों को सम्मान निधि उनके खाते में पूरी की पूरी मिल रही है, बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, गलियां, सड़कें, नाले पहले से दसियों गुना बेहतर अवस्था में हैं, बेहतर बिजली, बेहतर पानी, बेहतर सड़कें, सफाई की बेहतर व्यवस्था, लोगों को यही तो चाहिए।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी थोड़ी चाहिए, राज्यवाल थोड़े ही चाहिए, और कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो किसान आंदोलन में ये कहती थी कि कांग्रेस को जिंदा करने का बहाना है हमारे पास को ये किसान आंदोलन, हमें चाहे इसमें घी भेजना पड़े, चाहे दारू पिलानी पड़े, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न, एक और एलिगेशन, दूसरा बिंदु जानबूझकर लेट करवाया, इसका थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ, चुनाव देखिए, बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था पंचायतों का, हम उस समय पढ़ी लिखी शिक्षित पंचायतों के लिए लड़े, संशोधन लेकर के आए, इन लोगों ने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक अड़ंगे अड़ाए, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हरियाणा की मनोहर जी की सरकार ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी के मंत्रालय ने जो निर्णय किया वो बेहतरीन है, पूरे देश को उसका अनुसरण करना चाहिए। अब की बार हमने एक अगला कदम बढ़ाया महिलाओं के लिए आरक्षण का, और उसी दौरान जब वो जैसे ही हम उस पर आगे बढ़े तो ये लोग आ गए, इनके इनके जो कारिंदे थे वो कहीं कोई हाई कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट में खड़े नजर आए। फिर जो बीसी का आरक्षण था, उस आरक्षण की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी उसमें भी घुंडी अटकाने वाले कौन लोग थे, उनके चेहरे देख लीजिए। तो इलेक्शन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व ना मिले 50% आबादी को, उसमें घुंडी अटकाने वाले हमारे विरोधी, और आरक्षण मिले पिछड़े वर्ग के उन लोगों को जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता पंचायतों में, उनकी संख्या कम होने के कारण, सवाल आपकी तरफ से उसके रास्ते में भी ये अड़े, तो अड़े तो ये दलों से लेंगे हम, अड़े तो ये और आरोप हमें लगाएं। अब बहुत जल्दी विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं एक अंतिम भूपेंद्र जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, उन्होंने कहा विचार देने का अधिकार है उनको, पहले से एक वाक्य केवल विजेंद्र जी मुझे मौका दे दीजिए, तो मैं मानता हूँ चुनाव करवाने ही नहीं चाहिए विजेंद्र जी। हाँ बोलिए बोलिए, अगर मुझे एक वाक्य कह लेने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, वाक्य बहुत जल्दी, बजरंग जी ने ये कहा कि हाँ एक थोड़ा सा लंबा वाक्य, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विचार देने का, विचार प्रकट करने का अधिकार है, आदरणीय बजरंगलाल जी आपको भी अधिकार है, परंतु हर विचार को, हर सुझाव को देने का समय, स्थान, मुहूर्त होता है, मंदिर में आरती की जाती है, शमशान में राम नाम सत्य बोला जाता है, ऐन मौके पर इस तरह की बात करोगे तो बहुत जल्दी आप भी जल्दी जो इन्होंने कहा सत्य भी हो जाएगा, चिंता ना कर। हां ज्योति जी, जो इन्होंने कहा कि ये कानूनी पेशा तो और किसी का थारे बस्ते नहीं, कोर्ट ने 2021 में स्पष्ट तौर से ये आदेश दिया था, और बल्कि हाई कोर्ट ने पंचायती चुनाव पहले करवाने का आदेश दिया था, नगर परिषद का बाद में आदेश दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक इस आरक्षण के ऊपर फैसला नहीं हो लेता आप पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव करवा लीजिए, लेकिन सरकार ने उसको न मान करके अपने आदमियों से रिट डलवा करके उसको लंबा खींचने का काम किया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, गांव के लोग खून के आंसू रो रहे हैं और ये कह रही हैं बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर ये बेहतर सुविधाएं हैं चौहान साहब तो फिर इलेक्शन करवाओ हिम्मत और लंबे टाल लो, अगर बगैर इलेक्शन के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलती है तो फिर तो इसका मतलब चुनाव की आवश्यकता ही नहीं रही। तीसरी बात इन्होंने, एक मिनट ज्योति जी, तीसरी बात इन्होंने की सम्मान निधि की, सम्मान निधि जो दे रहे हैं आज 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी जा चुकी है, ये सम्मान को आप लोगों ने अपमान बनाने का काम किया है, और बड़ी बेशर्मी के साथ आप झूठ कि किसान आंदोलन नहीं हुआ, अरे किसान आंदोलन तो था ही नहीं, आप तो आपके लिए तो प्रवीण जी आपके लिए तो वो आतंकवादियों का आंदोलन था, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन था, आज वो आपको किसान कैसे लगने लग गए, आप तो ठीक है जो ऐसे उनको उग्रवादी कह करके पुकारते थे, आपकी नजरों में उग्रवादियों का बातों को सुना आंदोलन था वो। गर्ग साहब, प्रवीण जी अभी करवाइए, वीरेंद्र चौहान जी हैं सर, वीरेंद्र चौहान जी हैं बीजेपी की ओर से आज। गर्ग साहब, जब भी कोई सुधार करने का सरकार प्रयास करती है तो इनके कारिंदे कहा गया कि चौहान साहब की ओर से कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर निशाना कि महिलाओं को आरक्षण देना भी इनको नागवार गुजरता कि इनका कहना है बीसीए को आरक्षण अगर दिया गया तो ये लोग अदालत चले जाते हैं, ये कहा गया कि तो क्या बीसीए को आरक्षण मिले इसमें आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या ये ठीक फैसला है, और जो कि आरोप है क्या आप लोग इसके खिलाफ थे, क्या आप लोगों के कारिंदे ही अदालतों में जाते हैं इनके खिलाफ? ज्योति जी, सरकार कोई भी अच्छा फैसला लेगी, कांग्रेस पार्टी पहले भी साथ थी, आज भी साथ है, आगे भी साथ रहेगी, अच्छे फैसले के साथ, मैं कांग्रेस नहीं हर एक लोग साथ,
और जिस प्रकार ये अपने आप को किसान के अध्यक्षी बताते हैं, ग्रामों विकास की बात करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्षी है, कहते किसान के हम अध्यक्षी है। इनके राज के अंदर देख लो 750 किसान शहीद हो गए, किसानों को झूठे मुकदमे इन्होंने बनाए, लाठीचार्ज इन्होंने की, और देखो 13.5 महीने आंदोलन इनके राज के अंदर हुआ, भूखे प्यासे गर्मी सर्दी बारिश के अंदर धरने के ऊपर बैठे रहे। ये कहते हम किसान के देसी पार्टी है, और दूसरी बात कहते हैं कि पार्टी कांग्रेस वाले गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष गुमराह कर रही है, किसान नेता देख लो जी। अरे भाई कोई गुमराह नहीं कर रहे, आप गांवों में जाओगे आपको पता लगेगा आपकी स्थिति क्या है, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है। जहाँ विकास की बात कहते हो ग्रामों का लाभ है, सड़क की जहाँ सड़क नहीं है, बरसाती नाले नाले नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, बीमारी फैल रही है, आप कहते हो ग्रामों में विकास हो रहा है, यही विकास है, यही विकास है। तो थोड़ा मतलब आप सोचिए ना, स्कूल आपके राज्य में बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में टीचर आपके पास है नहीं, हिंदी के टीचर आप बता रहे हो, प्रिंसिपल आप बता रहे हो, आप क्या बात है? इसको भी तो सरकार पेंशन को लेकर भी, स्कूल बंद किए जाने को लेकर भी केवल अफवाह बताती है सरकार, कि केवल भ्रांति है, ऐसा नहीं है। स्कूल के बच्चे स्कूल में ताला मार कर बाहर बैठे हैं। चलिए टॉपिक अलग है ना, इसमें सरकार के लिए हमने मर्जी है, यहाँ पे 3 से 4 स्कूलों का एक स्कूल बनाया गया। जब आप पंचायत चुनाव की बात करोगे ठीक है, तो आप लोग पंचायत चुनाव में कोई विकल्प तो बनिए, आप लोग आइए जनता के सामने कि हम विकल्प हैं सरकार के खिलाफ। ये चुनाव लड़ रहे क्या? अगर ये सिंबल चुनाव लड़ रहे ज्योति जी, तो इन्होंने तो निकाय में लड़ा था ना, निकाय चुनाव लड़ा था इन्होंने, बिल्कुल लड़ा था, कितना वोट आया था। एक ही बात रखिए फिर, अगर इनकी बराबरी करनी है तो निकाय में लड़ा था इन्होंने। ज्योति जी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, आप भी सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, और हार किससे गए? 1,000 उम्मीदवार से 25% वोट आए, आप विवेक जी, निकाय चुनाव में जो पार्टी का प्रदर्शन था उसके बाद क्या कोई डर है इस बार मैदान में जाने से? बिल्कुल कोई डर नहीं है ज्योति जी, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पूरी तैयारियां है पार्टी की, जो भी हाईकमान फैसला लेगा उसके बाद चुनाव में उतरने के लिए एक एक कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी का तैयार है, और चुनाव आते ही हमें कोई कांग्रेस वालों की तरह टेंशन नहीं होती या दूसरी पार्टी की तरह, हमारे कार्यकर्ता को कांग्रेस की नीति डिबेट बिगाड़ो ज्योति जी, अगर ऐसी यही देखिए विधायकों की नाराजगी का मुद्दा ही उठा रहे हैं, वो तो विधायक अगर नाराज है किसी भी पार्टी के लिए तो पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं चुनौती अपने आप में हो ही जाते हैं, लेकिन आप इस बात का जवाब दे रहे थे कि हम तैयार हैं, तो किस तरह से हैं? क्या मन अभी नहीं बनाया है? क्योंकि बहुत समय से जैसा कि नेहरू प्रवक्ता ही कह रहे थे कि कोई ऐसा तो नहीं कि अचानक एकाएक इलेक्शन हो रहे हो, इलेक्शन तो पहले से ही बहुत लेट चल रहे हैं, ज्योति जी तो उसमें फैसला लेने में इतना समय, उसके पीछे की क्या मतलब क्या कहानी इसके पीछे? कोई समय नहीं है, बहुत हमारा सारा काम तैयार है, और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दो, साथ साथ सब कुछ अनाउंस हो जाए। आज ये लोग बीच में जान के बोल रहे हैं क्योंकि ये चुनाव से भाग रहे हैं, हम चुनाव से भाग नहीं रहे इतना, चुनाव से भागने का काम आप लोग करते हैं, और इनको मैं बुरा भी नहीं मानूंगा इनकी बात का, बारी बारी बीच में बोलना इनकी पार्टी की परंपरा है, इनके कोई नेता किसी की नहीं सुनता, ये यहाँ कहाँ किसी की सुनेंगे। आज प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव चाहे गठबंधन पे लड़ा जाए, चाहे सिंपल पे लड़ा जाए, चाहे बिना सिंपल के लड़ा जाए। ये कौन डिसाइड करेगा? ये गठबंधन पर लड़ा जाए तो ये बीजेपी ही डिसाइड करेगी?
नहीं बिल्कुल नहीं, आपको मैं बताऊं पिछली बार तो किया दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ये बीजेपी जो डिसाइड करती है ना, बीजेपी नहीं बार बार कहती हूँ, शायद जेडीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लगे कि मैं बार बार कहती हूँ लेकिन बात जब जब चलेगी तो बात होगी जो पहले हुई। बीजेपी ने कहा अलग लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, बीजेपी ने कहा साथ लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब बीजेपी ने लास्ट टाइम कहा कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जेजेपी ने साथ के साथ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का काम वही किया। तो ना बीजेपी के बाद ना बात नहीं, साथ की जब हमारा फैसला हो गया कि नहीं चुनाव लड़ना तो हम साथ के साथ चुनाव मैदान में उतारने का काम किया, पर बाद में दोनों नेताओं ने डिसाइड किया कि हाँ गठबंधन में लड़ना है तो गठबंधन में लड़े, रिजल्ट फेवरेबल आया। आज हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे जो कार्यकर्ता फील्ड में तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चांस आप कुछ काफी देर से आप कुछ शायद गर्ग जी की बात कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाहिए ज्योति जी? लास्ट टाइम मैं वो करना चाहूंगा, चिंता उनको करनी चाहिए जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कहते थे कि 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बन जाएगी, आज तक जिनके पास डिस्ट्रिक्ट बॉडी नहीं है उनको चिंता करनी चाहिए, हमें चिंता की जरूरत नहीं है। इस पर भी, इस पॉइंट पर भी मैं जरूर चर्चा करूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछेंगे। लेकिन चौहान साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही सवाल ये भी कि बीसीए का जो आरक्षण दिया गया है सर, फायदा तो होगा आप लोगों को, आगे भी चलकर फायदा होगा अगले इलेक्शन में भी? भारतीय जनता पार्टी समाज के पिछड़े तबके के लोगों को जहां उनको रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं मिल रहा, हमेशा उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जाए, प्रभावी तरीके से वो चीज लागू हो, इसकी पक्षधर रही है। इसलिए उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा और वो इन चुनावों में भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ये अच्छा, बात तो क्या मैं माफी के साथ आपको पहले सेंटेंस में ही रोक रही हूँ, पहले सेंटेंस में आपको रोका, तो क्या इसी लाभ के लिए इतना देरी से हुए हैं इलेक्शन? ये आरक्षण दिया जाए, आरक्षण में आगामी दिनों में लाभ मिले और इसके चलते फैसला लिया गया? जो ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ मिलेगा वो तो बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, मूल उत्पाद इस सारे संघर्ष का है उस वर्ग को प्रत्यक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व देना, मूल लाभ हरियाणवियों को है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उसको उस लड़ाई की प्रतीक बनी, हमने अड़कर के वो काम करवाया तो स्वाभाविक रूप से हमें लाभ मिलेगा, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। एक छोटी सी बात, मैं बिल्कुल गांव में ले जाना चाहता हूं आपको भी, गर्ग साहब को भी, रेड्डू जी को भी। अगर आरक्षण से ही आदरणीय गर्ग साहब ने देखिए बीच में प्लीज फिर और विजेंद्र जी आपकी बारी आएगी, विजेंद्र जी आप अपनी बारी में बोल लेना भाई, अरे आपकी बारी आएगी ना ज्योति। ये क्या, मैं चुपचाप बैठ के सुन रहा था सबको, चलो बोल लो मुझे, मैं तो शुरू नहीं हुआ अभी, बोल लो। मैं ये कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी ने कहा कि सरकार ने कोई एक अच्छा काम किया हो, कोई अच्छा काम किया हो तो हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े हो जाएंगे। मैं 2-3 काम बताऊंगा, इनकी हां भरवा दीजिए, मैं मान लूंगा कि ये सच्चे हरियाणवी हैं। हरियाणा के एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं थी, आज 5500 से ज्यादा गांवों में है। बजरंग जी करिए सरकार की तारीफ, आप नहीं करेंगे मुझे मालूम है। हरियाणा के हर गांव में, ज्योति जी आप भी गांव से, मैं भी गांव से और अभी भी गांव में से बोल रहा हूं, हरियाणा के हर गांव में डेरे और ढाणियों को छोड़कर हर घर नल से जल पहुंचा दिया गया है। इन्होंने नहीं पहुंचा रखा था, हमने पहुंचाया था, पानी पहुंचा है, साफ सुथरा पहुंचा है। बजरंग जी सरकार की करिए तारीफ, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं मानेंगे। हरियाणा में जोहड़ों की बहुत दुर्गति थी ज्योति जी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप अपनी बारी में जवाब दे लीजिएगा। हरियाणा के 25,000 तालाबों को आइडेंटिफाई करके हर जिले में 75 सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया है, गांव की शक्ल सुधर रही है, बेहतर हो रही है, ये काम हुआ है, इसको स्वीकार कर लीजिए। मैं मान लूंगा आप हरियाणा और गांव उसके प्रति ईमानदार हो, हर किसान को उसके खाते में उसकी फसल का दाम मिल रहा है, ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है तो हां कीजिए, सरकार की तारीफ कीजिए। हर ग्रामीण को उसकी पेंशन बिना चोरी चकारी डकैती के उसके खाते में बढ़ी हुई मिल रही है, ये काम हुआ है। राशन ईमानदारी से मिल रहा है, ये काम हुआ है, इन सब कामों को स्वीकार कर लीजिए। मैं मान लूंगा
आप हरियाणवी हो, हरियाणवियों के और ग्रामीणों के हित में हो। जो काम किए उसको आपने कहा ना, एक तो गिनवाइए, मैंने दर्जन भर गिनवा दिए, और कहो ज्योति जी अब आपका काम ज्योति जी। ज्योति जी मैं क्या अपनी चेहरा सामने लाता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 2005 से लेके 2014 तक हमने 100 गज के 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त प्लाट दिए, इन्होंने योजना बंद कर दी। हमने जो मैंने किया वो हाँ भरो ना, आप कह रहे गिरवाओ, जो हमने किया उस पे हाँ भर के दिखाओ। सुन ले जो आपने पूछा था मैंने हाँ उस पे हाँ भर के दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। 3 रुपए चावल दिए वो योजना बंद कर दी। हमने हर गांव के गरीब व्यक्ति को पीने की पाइप की लाइन बिछाई, गुट्टी और पानी की टंकी बुक दी, उन्हें वो योजना बंद कर दी। आप क्या बात करते हो, 20 रुपए किलो दाल कितने झूठे हो गरीब आदमी की, हजारों आदमी की पेंशन काट दी, आपको राशन नहीं मिल रहा, आप रोशन की बात भाई चोरों की काटी है, किसी ईमानदार आदमी की पेंशन नहीं काटी। शहर में पूछो, चोरी करते थे आप लोग पेंशन के नाम पर, कितने आदमी गए चोरी के नाम पर, पेंशन के नाम पर चोरी करते थे आपके दाल लोग, कितने लोगों ने लोगों का बेवकूफ कर लूटा, आप झूठ बोलते लोगों को, हमने फर्जी पेंशन काटी है किसी एक जिनको पैसे लेके दलाली खाके पेंशन दे रखी थी आप लोगों ने, कटी होगी। गलत की बात इस सरकार की, आज मैं पूछना चाहता हूँ पेंशन की बात करिए, कितने हजारों लोगों को ताई और ताऊ को मरा, बिजली पानी मुकाबला हमारा, बिजली पानी हमारा मुकाबला कर लोगे। आज भी लोग पेंशन तरस रहे हैं, आप कहते हैं सीधा आप सुन लो किसान की बात, ना किसान की फसल खरीद रहे। आप रुकिए अभी, आपने तो मेरे को सवाल ही नहीं पूछने दिया। आप तो चौहान साहब ये तो इसमें तो क्लियर कट है ना, ये पूछेंगे आप चौहान साहब आप उपलब्धियां पूछेंगे, ये हाँ नहीं भरेंगे। आप भी अगर विपक्ष में होते तो आप भी हाँ नहीं भरते, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ हैरान करने वाला तो है नहीं। अच्छा इन्होंने कहा था ना जी, समय तो आप बहुत छोटी, अगर इन्होंने नहीं कहा होता तो मैं बिल्कुल नहीं करेगी। क्या क्या विषय पर आइए, अच्छे को अच्छा कहलवा के दिखाइए, विषय पर आइए। आप दोनों ही ठीक है, अपना विकास अच्छे को अच्छा कहलवा के दिखाइए ज्योति जी आज। अब ये विकास गिनवाते हैं तो फिर आप देखिए एक बार फिर से पंचायत चुनाव पर आते हुए मैं बहुत आखिरी कमेंट तो भरिए सच्चाई की। गर्ग साहब कितना तो बोल चुके हैं, पानी पी लीजिए बीच में, मैं सवाल जब तक पूछ लूंगी, मैं जब तक सवाल पूछ लूंगी सर, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं हल्ला कैसे चलेगा। दर्शकों आप जो बोल रहे हो सुनो तो दीजिए ना, आप पेंशन की बात बोल रहे हैं, मैं बताऊं ना बताऊं, जिंदा लोग इन्होंने मार दिए, मुस्लिम लोग मार दिए, नहीं बोलेंगे आप, कोई भी नहीं बोलेगा नॉन स्टॉप, और गलत नहीं बोलेंगे नॉन स्टॉप तो बोल लीजिए, सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। नॉन स्टॉप पे भी हमको कोई आपत्ति नहीं विवेक जी, झूठ ना बोले बस विवेक जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ईमानदारी अच्छा विवेक जी, आज भी अपने पेंशन जाती है, ये तो कोई सलीका नहीं डिबेट का, ये नहीं है। अभी आप रुकेंगे, आपको नॉन स्टॉप नहीं बोलने प्रवक्ता आपके साथ ही बैठे, आपने बहुत अच्छे से कहा। अच्छा विवेक जी, आप ये भी बताएं, आप अब इनके टॉपिक पर रहिएगा, अभी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में एंट्री कर चुकी है निकाय चुनाव से कम से कम दस्तक तो दे चुकी है, इस बार भी ऐलान है कि लड़ेंगे चुनाव, सिंबल पर लड़ेंगे, आपको लगता है कोई अस्तित्व आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का? ज्योति जी, आम आदमी पार्टी पहले भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ चुकी है और निकाय चुनाव में भी उनका क्या हाल हुआ वो आप देख चुके हैं, और आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी का कारण साफ और स्पष्ट है,
पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, हरियाणा प्रदेश भली भांति देख रहा है। और पंजाब के अंदर सरकार बनते ही जो लोग हमसे चंडीगढ़ घोषणा चाहते हैं, जो हमें ऐश्वर्या का पानी नहीं देना चाहते, जो लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर करना कुछ नहीं चाहते, जो हरियाणा से तो पानी देना चाहते हैं दिल्ली के लिए पर हरियाणा को हरियाणा के हकों का पानी नहीं देना चाहते, उनको हरियाणा प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये पिछले चुनावों में भी आपने देखा है और आगे भी। मैं एक छोटा सा जवाब गर्ग साहब का देना चाहूंगा। गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं एक बहुत साफ स्पष्ट आदमी हूँ। गर्ग साहब आप बहुत साफ स्पष्ट आदमी है, थोड़ा सा एक जवाब मेरी बात का भी दीजिए। आपने बहुत कुछ गिनाया, हमने ये किया हमने वो किया, जो भोले भाले किसानों की जमीनें लूट के आपने जीजा जी को देने का काम किया, उसके बारे में कुछ जवाब देने का काम कीजिए। आज जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पर दूसरे दल कहीं ना कहीं चुनाव से भागते हुए दिख रहे हैं। वो आपके टीवी ने दिखाने का काम किया जो किसी और आने वाले समय में प्रिंट के अंदर भी दिखेगा। जी आपने जवाब दिया। विजेंद्र जी, अब चूंकि हरियाणा में गठबंधन सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं और टाइमिंग देखिए कि इसी वक्त पंचायत चुनाव होने हैं, तो अगर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या मानते हैं इनेलो कि ये गठबंधन की भी परीक्षा होगी, साथ ही सरकार की 3 साल के कामकाज का भी रिपोर्ट कार्ड होगा जनता की ओर से? हाँ ज्योति जी, देखिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो इन चुनाव में सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार के कार्य किए उनका रिजल्ट इनको मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्योति जी यहाँ पर यह बनता है कि दोनों दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों दल ही इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, सिंबल पर लड़ेंगे या बिना सिंबल के लड़ेंगे। जब सरकार ने ये पत्र लिख दिया चुनाव आयोग को कि 30 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करवाए जाएं और अभी सोमवार को घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है, आज तक भी इनका ये फैसला नहीं हो रहा कि गठबंधन में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। ये इनका आंतरिक मामला है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, परंतु हम भी जानना चाहते हैं, हम भी हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं कि हम जानना चाहते हैं क्या ये आज तक भी फैसला कर क्यों नहीं पा रहे। आपने सही क्वेश्चन पूछा था, क्या इस बात का भाजपा ही फैसला करेगी या जेजेपी भी अपनी हिम्मत दिखाएगी फैसला लेने का, या जो पहले निकाय चुनाव में भाजपा ने बार बार फैसले बदले उसके पीछे जेजेपी लगी, क्या इस बार भी ऐसे ही आखिरी कमेंट बहुत जल्दी आ रहा है, टाइम टाइम अभी नहीं है लेकिन 10 सेकंड जॉन साहब। दूसरा नहीं, दूसरा जो बीसीए का मेरे को टाइम नहीं दिया ज्योति जी, ज्योति जी मिला है ज्योति जी, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमने बीसीए का चुनावी फायदा लेने के लिए आरक्षण लागू किया है। ज्योति जी मेरे साथ हमारे को पता मिला फायदा मिली ठीक है, ये मैं भी पूछ चुकी हूं और ये कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर चुके हैं, इनको नहीं मिलेगा जॉन साहब। ज्योति जी, ज्योति जी मजबूती से इलेक्शन ज्योति जी और अच्छा, ज्योति जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जल्दी, ज्योति जी रोक लीजिए, ज्योति जी हम हरियाणा को पढ़ी लिखी साफ सुथरी महिलाओं और पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली पंचायतें देने जा रहे हैं। हमारी चिंता इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस न करें, हम और जनता हम अपना फैसला कर लेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, पंचायत चुनाव को लेकर बात की, क्या कोई दल जिला परिषद का इलेक्शन सिंबल पर लड़ेगा, गठबंधन अगर सिंबल पर लड़ता है तो क्या साथ मिलकर लड़ेगा, क्या कुछ समीकरण आने वाले दिनों में बनने वाले हैं, इसे लेकर हमने जवाब लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।